स्लाइड में चलेंगे। सो दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट, किसी चीज को हम ऐसे देख रहे हैं, बाद में चेंज हो गया। नेक्स्ट, एक पर्सन था, बहुत फेमस था, फाइटर सुना है फाइटर पायलट के बारे में, बहुत फेमस था वो, हर जगह जाता, लोग उसके साथ सेल्फी निकालते हैं, सब बोलते हैं अरे वाह ये हमारे देश के, सही में ये हमारे देश के सचमुच में नौजवान है जो हमारे देश को बचा रहे हैं। तो एक दिन पिज्जा के कोई शॉप पर एक पर्सन आता है, बोले सर आप वो फाइटर पायलट है ना? बोले हाँ। आपका नाम ये है ना? यस। सर मैं आपको जानता हूँ लेकिन आप मुझे जानते नहीं होंगे। बोले अच्छा कौन है तुम? बोले सर आपका जितना भी फ्लाइट उड़ता है ना सब में पैराशूट मैं ही बांधता हूँ। आप जिधर जिधर से बच के आए ना, वियतनाम से बच के आए, नाजी से बच के आए, सब जगह फ्लाइट का जो भी पैराशूट था मैं ही बांधता था, मैं ही वो पैकर हूँ उसका। अगर मैं उस समय सही नहीं बांधा होता तो शायद आज यहाँ पर आप नहीं होते। ये जितने लोग बैठे ना सर, ये जितने लोग टीचर बैठे ना, ये सब वही हैं, ये अपने अपने स्टूडेंट के पैराशूट को पैक करने वाले लोग बैठे हैं। कब आपका स्टूडेंट को पैराशूट का गरज पड़ जाएगा फटाक से, वो अरे टीचर ने ये पढ़ाया था, अरे टीचर ने बोला था अगर ऐसा कुछ होएगा तो ऐसा करना, वो बेंच के नीचे छुप जाना जब भूकंप आएगा तो, फटाक से याद आ गया, अरे हाँ जब वो आ जाएगा तो मास्क लगा लेना, अरे पानी के अंदर जाएगा तो वो ऐसा कुछ लेके, अरे हाँ याद आ गया। आप सब वही काम कर रहे हैं, बैक स्टेज पर आप काम कर रहे हैं, कभी देखेंगे नहीं आप, शायद आपका किधर नाम भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा वो मैडम कौन थी। कोई तो भी हरे ड्रेस में कोई आती थी, कोई तो भी ऐसा चोटी लगा के आती थी, कोई एक फ्लावर लगा के आती थी, पता नहीं कौन है, आपका नाम भी नहीं रहेगा किधर। कोई बात नहीं, मदर टेरेसा बोलती थी, मदर टेरेसा का एक पोयम है, अगर कभी मिलेगा तो लगा देना यहाँ पर, एनी वे पोयम, पढ़िएगा उसको, बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक एक वर्ड, कि लोग अतार्किक होते हैं, पीपल आर सेल्फिश, लोग अतार्किक होते हैं, अल्टियर होते हैं, अल्टी मोटिव होते हैं, उनके पास गलत होते हैं, बट आप अपना अच्छा करते रहिएगा। लोग आप जो करने वाले हैं एक रात को लात मार के सारी चीज़ों को तोड़ दिया जाएगा, फिर भी आप अच्छा काम करते रहिएगा। जब आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो लोग आपके साथ बुरा करेंगे, लेकिन आप अच्छा करते रहिएगा। और आखिरी का दो लाइन है, सब कुछ पूरा समरी उसमें है, इट इज़ नॉट बिटवीन यू एंड देम, इट इज़ नॉट बिटवीन यू एंड देम, इट इज़ बिटवीन यू एंड योर गॉड एनी वे। जो भी हो रहा है ना साहब, ये आपका और बच्चे लोग का संबंध ही नहीं है, आपका स्कूल का संबंध ही नहीं है, आपका पेरेंट्स का संबंध नहीं है, ये ऊपर बैठ के देख रहा है आपने स्कूल में क्या किया था, वो देख रहा है ऊपर से, ऊपर सेट बैठा हुआ है वो देख रहा है, बराबर देख रहा है, नहीं भी देख रहा है तो अपन तो देख रहे हैं एक दूसरे को, हमको तो पता है ना भाई, सीसी कैमरा नहीं लगाए तो नहीं लगाए, कोई बात नहीं। मैडम एक उसमें मिस्टर स्मिथ नाम का वीडियो लगाइए ना, एनी वे पोयम, आप जब देखेंगे पता चलेगा। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो अपना काम कैसा होना चाहिए, ये वीडियो आपको बताएगा, मिस्टर स्मिथ नाम का एक वीडियो है, ये सारा का सारा मैं आपको दे के जा रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सारा वीडियो आपको दे के जा रहा हूँ, सारा का सारा मटेरियल, भले ही मैंने रिसर्च बहुत रिसर्च किया इस पर, कम से कम 1.5-2 लाख वीडियो में से ये वीडियो निकाला हुआ है। अब इसके बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ पर मिस्टर स्मिथ नाम का एक पर्सन है एंड उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, लेकिन उसने जाते जाते जहाँ पर मैसेज देने वाले थे उनको बोला साहब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, शायद कुछ अर्जेंट मैसेज रहेगा तो एयरपोर्ट पे कॉल करना। वो एयर होस्टेस को जब बोर्डिंग पास लेता है तो पूछता है मैडम मेरे लिए कोई मैसेज है क्या? मैडम बोलती नहीं आपके लिए कोई मैसेज नहीं मिस्टर स्मिथ। तो बोले ठीक है अगर प्लीज़ मैसेज आएगा तो मुझे ज़रा बता देना, बहुत अर्जेंट एक मेरा मैसेज आने वाला है। और जैसे ही मिस्टर स्मिथ आगे जाता है उसको सर कॉल आता है, कॉल आने के बाद फिर वो एयर होस्टेस वो मैसेज देने के लिए कैसे जाती है वो इस वीडियो में देखते हैं, मज़ा आएगा आपको।